और वहीं एक और बड़ा बयान आया है। गोपाल भार्गव ने बयान दिया है कि कांग्रेस सरकार की कुंडली मेरे पास है। बीजेपी के एक और बड़े नेता का बयान, गोपाल भार्गव का बयान, कांग्रेस सरकार की कुंडली मैंने कुंभ में दिखाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं चलेगी ये सरकार, लगातार बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं। आइए आपको बयान सुनाते हैं। जब यहाँ से हमारे साथी जीत के जाते हो और पास पड़ोस के कुछ इलाकों से जीत के जाते, जिलों से जीत के जाते तो हमारा पूर्ण बहुमत हो जाता है। लेकिन तब भी हम ये कहना चाहते हैं कि हमने इस सभा में बनाए कांग्रेस पार्टी की 114 बनाए उनकी सरकार है, जो तोड़ करके सरकार बनी है सभी सदनों को मालूम। 11 दिसंबर को जो रिजल्ट खुले थे हमारे विधानसभा के चुनाव परिणाम हुए थे रात्रि में, और मध्य रात्रि में मैं मान के चलता हूं, मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार के रूप में एक बीमार संतान ने जन्म दिया और बीमार संतान पैदा हुई। उस संतान ने जो लगा है बहुजन साल समाज पार्टी का, तो उन्हें किडनी लगी है समाजवादी पार्टी की शरीर। पूरी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ शुभम अवस्थी हमारे सहयोगी दमोह से जुड़ गए हैं। शुभम, लगातार बीजेपी के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के एक और बयान गोपाल भार्गव ने दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश भाजपा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव आज दमोह में आयोजित पंच कल्याण के जनक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दमोह आए हुए थे। तत्पश्चात उसके वो जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने भाजपा के जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने एक बयान दिया है जो कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार की कुंडली मैंने कुंभ में दिखाई है, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जो उसका कहना है कि ठीक नहीं है सरकार की कुंडली, तथा फिर वही जो सागर में बयान दिया था उसको दोहराते हुए एक बार फिर से एक भी बोला कि जो पैदाइश हुई है नई पार्टी की एक बच्चे के रूप में कांग्रेस की सरकार है, इस तरीके का बयान दिया गोपाल भार्गव ने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। तो एक और बयान बीजेपी के नेता का आया है, गोपाल भार्गव ने फिर बयान दिया है कि कुंभ में मैंने कांग्रेस की कुंडली दिखाई थी और ज्यादा दिन ये सरकार नहीं चलेगी।